गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली में। और मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही कंफ्यूजन जो है लोगों के दिमाग में, उसका आंसर देने वाला हूँ कि बोटॉक्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ना बहुत लोगों की मतलब फोटोग्राफ्स आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे फुल फेस के ऊपर बोटॉक्स चाहिए, मुझे अपना फुल फेस ठीक कराना है, मुझे फुल फेस पे बोटॉक्स चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी समझाया है कि बोटॉक्स एक मसल पैरालाइजर है, मतलब मसल वीक करता है और कुछ नहीं करता। तो फुल फेस पे जो है बोटॉक्स उतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। बोटॉक्स के कोई पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा बोटॉक्स काम करता है, जिनमें से सबसे मोस्ट कॉमन है वो है फोरहेड लाइंस और ग्लेबेला लाइंस, इसको बोलते हैं फ्राउन लाइंस। तो अगर आपके यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं, आपके यहाँ पे फ्राउन्स पड़ते हैं, उसके लिए बोटॉक्स सबसे अच्छा है, जिसमें आपके वो रिंकल्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। नंबर टू इंडिकेशन है आपके क्रोस फीट। अगर आपके बहुत क्रोस फीट पड़ते हैं, इधर इधर बहुत सारे रिंकल्स हैं, तो उसमें जो है बोटॉक्स काम करता है, ठीक है ना। नंबर थ्री जो है आपका, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेटर जो मतलब यहाँ मसल होती है, मतलब यहाँ बहुत फुलनेस है, मतलब आपका वी फेस नहीं लगता, आपका बहुत राउंड फेस लगता है, तो उस पर अगर आप मैसेटर में बोटॉक्स लगाओगे तो उसमें भी काम करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोटॉक्स काम नहीं करता है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं कि जो है मतलब बहुत ज़्यादा फुलनेस है, तो उसका आंसर थ्रेड लिफ्ट और फिलर्स होता है और फैट ग्राफ्टिंग होता है, उसका आंसर बोटॉक्स नहीं है। अगर आपका नेक बहुत लूज है, इधर बहुत रिंकल्स हैं, तो उसका आंसर भी फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, प्लैटिसमा में कोई सर्जरी वो है। बोटॉक्स से बहुत ज़्यादा नेक पे इफ़ेक्ट नहीं आता। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, आपको समझना पड़ेगा कि बोटॉक्स जो है वो इन्हीं तीन एरियाज़ में ही नॉर्मली यूज़ होता है। नंबर वन फ्राउन लाइंस, नंबर टू ग्लेबेला मतलब फोरहेड लाइंस, नंबर थ्री आपका क्रोस फीट, और नंबर फोर आपका मैसेटर बोटॉक्स। तो इस चार के लिए ही आप बोटॉक्स कराएं, अदरवाइज आप दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएं, जैसे थ्रेड लिफ्ट, जैसे फिलर्स, जैसे फैट ग्राफ्टिंग और जैसे कोई और सर्जिकल प्रोसीजर्स। थैंक यू वेरी मच सर। जो वो बताओ,